sin a minus cos a is equals to 0, we have to find the value of sin raised to the power 4a plus cos raised to the power 4a. तो हमें इन्होंने दे रखा है sin a minus cos a 0 है. If we send this minus cos a to the right side, we are going to get plus cos a. So अभी आप देखें sin a is equals to cos a. Okay, and इसे आप यूं भी लिख सकते हैं sin a is equals to cos a multiplied by 1. Because cos a and cos a multiplied by 1 दोनों same ही हैं. Now if you bring cos a to the left side, it becomes denominator. Okay, now we have sin a over cos a is equals to 1. Sin upon cos, I hope आपको मालूम होगा कि sin upon cos को हम tan बोलते हैं. तो ये बन जाता है tan a is equals to 1. आपको सोचना ये है कि tan में 1 कब मिलता है, tan 30 डिग्री पर या tan 0 डिग्री पर या tan 45 डिग्री पर या tan 60 या 90 पर. सो आपको अगर टेबल प्रिपेयर है, टेबल आपने मेमोराइज़ कर रखा है, तो tan 45 इज़ 1. ओके, 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं tan 45, बिकॉज tan 45 की वैल्यू 1 है. अभी tan एंड tan अगर कैंसिल हो तो a की वैल्यू 45 बच जाएगी. ओके, सो अब आपको a की वैल्यू मालूम है. तो अगर a की वैल्यू मालूम है तो sin raised to the power 4a plus cos raised to the power 4a को सॉल्व करना ईजी है. चलिए सॉल्व करते हैं. sin raised to the power 4a plus cos raised to the power 4a, and we know that a is 45 degrees. चलिए सॉल्व करते हैं. If you have any problem, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. sin raised to the power 4, 45 degree, plus cos raised to the power 4, 45 degree. Okay, sin 45 की वैल्यू होती है 1 upon root 2, और ये जो पार है ये हम इस वैल्यू पर लगाएंगे. देन cos 45 इज़ 1 upon root 2, ये पार हम यहाँ पर लगाएंगे. ओके, 1 upon root 2 raised to the power 4 का मतलब होता है कि हमें 1 upon root 2, वी हैव टू राइट 1 upon root 2 4 टाइम्स एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. नाउ 1 1 टाइम्स इज़ 1, सो इट इज़ 1. root 2 मल्टीप्लाइड बाई root 2 बिकम्स 2, root 2 मल्टीप्लाइड बाई root 2 बिकम्स 2, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 4. ओके, सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा 1 upon 4. आई होप ये क्लियर है. अब 1 over 4 एंड 1 over 4 को हमें ऐड करना है. डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना बहुत ईजी है. आप डिनोमिनेटर्स को कॉपी करें. 1 plus 1 2 लिखते हैं. सो 2 over 4 इज़ द आंसर. सिंप्लीफाई करने पर 1 over 2 विल बिकम द आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर.